दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण की शादी की खबर की वजह से इंडियन आइडल सीजन 11 की टीआरपी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। शो के दौरान इन दोनों की शादी की रस्में भी शुरू हो गई थी, हालांकि बाद में इन दोनों की शादी नहीं हुई। इस बीच नेहा कक्कड़ ने इंटरव्यू के दौरान आदित्य नारायण की शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। नेहा कक्कड़ ने टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट से बात करते कहा कि आदित्य बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इनके पास बेहद ही खूबसूरत दिल है। ये भी बताने में खुशी हो रही है कि मेरे दोस्त की शादी इस साल उनकी गर्लफ्रेंड से हो रही है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ और दुआ करती हूँ कि इन दोनों का साथ हमेशा बना रहे। नेहा और आदित्य की शादी की खबरों ने उस वक्त और जोर पकड़ा था जब इनका जयमाला का वीडियो सामने आया था। ये वीडियो इंडियन आइडल सेट का ही था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आदित्य नारायण का बयान भी आया। आदित्य ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लूंगा तो मैं खुद की घोषणा करूंगा, शादी मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला होगा, मैं इसे छुपाऊंगा नहीं। सच यह है कि ये सब मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, जिसे लोगों ने गंभीरता से ले लिया है। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है जो कि सब गलत है। कोई भी मीडिया पर्सन हमारे पास सच्चाई जानने के लिए नहीं आया, ये सब एक रियलिटी शो के टीआरपी के लिए किया गया था।